हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील कौशल। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 3 फॉर क्लास 9th मैथमेटिक्स। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 इन विच वी विल डिस्कस द टॉपिक इरेशनल नंबर्स। द टॉपिक इज इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ thirds, thirds means in root form are called irrational numbers। जो number pure root form में होते हैं like उनको हम thirds कहते हैं, मतलब उनको हम irrational number भी कहते हैं। The numbers, another definition is that the numbers which are not rational are called irrational numbers। जो number rational नहीं होते हैं उनको हम irrational number कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक वैल्यू लेता हूँ रूट टू, तो रूट टू प्योर रूट फॉर्म में है तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। मान लीजिए आपके पास अगर मैं ये इस तरीके से लिखूँ, टू रूट टू एक वैल्यू है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं लिखूँ टू प्लस रूट थ्री, अब ये वैल्यू भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब जहाँ रूट वैल्यू आ गई वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन मान लीजिए मैं लिखता हूँ रूट फोर, तो रूट फोर, फोर को हम टू स्क्वेयर लिखेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो टू बाहर आ जाएगा, तो ये एक रैशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर। तो दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो रूट फोर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है इसके बाद वो है रियल नंबर्स। ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। तो इस रियल नंबर्स को समझने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में हमारे पास जैसे होल नंबर्स, W फॉर होल नंबर्स विच आर 0, 1, 2, 3 सो ऑन, N फॉर नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 सो ऑन, Z फॉर इंटीजर्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, एंड रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड इरेशनल नंबर जो अभी हमने किया जो कि रूट फॉर्म में होते हैं। ये सारे नंबर्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। तो ये आज का जो टॉपिक था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कमिंग सेशंस। सो यू शुड रिमेंबर दिस डेफिनेशन perfectly, especially both these definitions should be in your mind, what are irrational numbers in two ways and what are real numbers. So thank you very much for watching this video, and if you are liking the videos please share in your groups. Agar aapko videos acche lag rahe hain to baki bachchon ki bhi help ho, isliye please share zarur kare. To next session mein milte hain, tab tak ke liye thank you very much.